देखिए, टैक्स की चोरी के विषय में समय समय पर मेरे सम्मानित पार्षद, चाहे वो कार्यकारिणी में हों चाहे वो सदन में हों, समय समय पर एक आवाज़ उठाते रहे हैं और उनकी आवाज़ में सत्यता है। जून में एक नंदग्राम में पूरी तरह से एक टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। वहाँ छोटे छोटे मकान हैं, ज़्यादा बड़े मकान नहीं हैं। जो टैक्स वसूलने गए थे उनसे, तो उन्होंने उनको कहा कि इतना मकान पे, छोटे मकान पे कैसे टैक्स आ गया, क्या करते हैं, तीन चार बार में लगा के देते हैं, एक बार बहुत ऊंचा, फिर कम ऐसे करके। तो उन्होंने कहा आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए तो हम आपका टैक्स कम कर देंगे। वो सब लोग ऑडियो लगा रहे थे और वहाँ के, मैं नंदग्राम के लोगों की बड़े सराहना करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल खड़े समय पर उसको वहाँ पर पकड़ा, हमें खबर दी, हमने यहाँ से अपने कुछ पार्षदों को बताया, सबको बताया और वो बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके बाद हम सारी बातें हुई और उस अनिल कुमार सिंह, आप ताज्जुब करेंगे कि मैं भी पार्षद रही हूँ, जिस आदमी को टैक्स चोरी में पैसे लेते हुए या पैसे मांगते हुए पकड़ा गया, वो एम्प्लॉई नगर निगम का भी नहीं था। इंस्पेक्टर अपने आगे 5-7 ऐसे लोग रखते हैं जिन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन जो टैक्स वसूली होती है उसी में से उनको संतुष्ट किया जाता है। अनिल कुमार सिंह जो वहाँ पे टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत दिनों से उनकी शिकायतें आ रही थी, लेकिन ये था कि सबूत और तथ्य होने चाहिए। जनता ने पकड़ा और बाकायदा उनको हमने ऑफिस अटैच भी कराया, लेकिन पता नहीं किस कारण के से वो थोड़े दिन बाद दोबारा से ऑफिस में चले गए। तो अब आप जब किसी गलत काम पर रोक लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो। अच्छा, लगभग 70-80 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी आई है, क्या है ये, कैसे निकल कर सामने आया, थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आज गाज़ियाबाद में इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे वो होटल्स हों या और भी व्यावसायिक संस्थान इतने हैं कि जितना उनका टैक्स बनता है हम लोग उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं। और 30-35% पे तो टैक्स लग भी नहीं रहा। हम लोग टैक्स लेने कहाँ जाते हैं या टैक्स बढ़ाने कहाँ जाते हैं, जो एक मध्यम और न्यूनतम आय वाले हमारी जनता है, 50-100 गज वाले मकान में जब भी बात चलती है तो टैक्स बढ़ाने हम वहाँ चले जाते हैं। वो तो ऑलरेडी टैक्स दे ही रहे हैं, जितना उनका बैठता है वो तो ऑलरेडी टैक्स दे ही रही हैं। अब मैं जो 50-60 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो अगर उन बड़े संस्थानों से, बड़ी व्यवसायों से अगर आप टैक्स वसूल कर लो तो शायद हो सकता है राशि और भी ज़्यादा। अच्छा, टैक्स जितना लगना चाहिए उसका भी आधा परसेंटेज लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन अधिकारी इसके पीछे हैं और उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? अरे वही, उसी पर तो चिट्ठी लिखी गई है 6 महीने पहले जो लिखी गई है। यही तो, पार्षद भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के द्वारा चुने होते हैं और जनता से रूबरू होते हैं। मैं कहती हूँ आज पार्षद सबसे पहले और मेयर, हम लोग सबसे ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक, जगाने से लेकर सुलाने तक का काम सारे पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं, सारे पार्षद को करना पड़ता है। तो अगर पार्षद ये बात कहते हैं कि भाई जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाया नहीं और जहाँ बढ़ाने की गुंजाइश ही नहीं है, ऑलरेडी वो टैक्स बेयर हैं, टैक्स दे रहे हैं, अब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर अधिकारी का, किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, मैं कह रही हूँ जो एक परिपाटी है ये बहुत गलत है। और जब जब अगर जनता के प्रतिनिधि जनता के लिए, जनता के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं तो प्रतिक्रिया ऐसी आती है जैसे आज आप देख रही हैं। अच्छा, टैक्स जो चोरी में जो अधिकारी संलिप्त हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप अपने स्तर से? देखिए, उनके खिलाफ हम लोगों ने लिख कर भी दिया, लेकिन बड़ा, मैं इसको ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियाँ हो जाती हैं, उसको एक बार चेता करके हम कहते हैं कि चलो एक बार चेतावनी देके उसको छोड़ दी जाए, लेकिन तब बड़ा कष्ट होता है कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं वही टैक्स समिति की जांच करें, खुद ही वो लोग टैक्स समिति की जाँच करें। तो इसमें भी थोड़ा सा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों को जनता ने चुना है, जनता के विश्वास को बरकरार रखना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे किसी भी, केवल टैक्स के मामले में भी नहीं, जहाँ जहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसको हम लोग जागरूक रहते हैं और जागरूकता से काम करते हैं।
क्योंकि हमने जनता के साथ विश्वास से हम लोग यहाँ आए हैं और आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम अपनी आवाज़ दबाएंगे। हम आवाज़ अपनी इसी तरह से उठाते रहेंगे, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे चोरी के खिलाफ हो, या अन्य किसी विषय के खिलाफ। बहुत बहुत आपका।